नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप लोगों को जो माध्यमिक चयन बोर्ड की अभी भर्ती निकली है उसके सिलेबस TGT और PGT के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी हिंदी विषय में किस सिलेबस को या किस किस चीज़ को रखा गया है हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास यानी जो सिलेबस में है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हम जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल चार भागों में बांटा गया है। आदिकाल, अब बात आदिकाल करते हैं तो यहाँ से वो क्वेश्चन उठाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से कि आदिकाल के नामकरण की समस्या क्या थी या किस विद्वानों का क्या मत था, आदिकाल के समय की रचनाएं किस प्रकार थी, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या थी, जो है क्यों आदिकाल को आदिकाल ही कहा गया, क्यों शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीर गाथा काल को हरिप्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल कहना ज़्यादा उचित समझा, यानी जितने भी चाहे श्रृंगार काल के चाहे अलंकित जो जो मतलब अलग अलग नाम विद्वानों ने या हिंदी आलोचकों ने दिया तो उसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने क्या बात, शायद वहाँ से भी क्वेश्चन वो लोग कर सकते हैं कि क्यों शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल कहा, क्यों हरिप्रसाद द्विवेदी उनकी बात काट कर जो है इसको आदिकाल कहा। इन तमाम जगह से ये क्वेश्चन यहाँ से आदिकाल पर कर सकते हैं जो है, और उस समय के चाहे वो सरापा हों, स्वयंभू हों, उनकी रचनाएं क्या हैं, फिर सरापा किस श्रेणी के में आते हैं जो है, या किस संप्रदाय से वो जो है प्रभावित थे जो है नाथ संप्रदाय, फिर सरापा की जो नाथ संप्रदाय थी क्या वो भक्तिकाल में कबीर के यहाँ दिखती है, इन सब तमाम चीज़ों पर से जगह से ये क्वेश्चन यहाँ आदिकाल से करते हैं। फिर उसके बाद आदिकाल की समय सीमा क्या थी, विभिन्न आलोचकों ने अपने नया विद्वानों ने अपने अपने मत से इसकी समय सीमा और निर्धारित की, आदिकाल के उदय के कारण क्या थे, फिर आदिकाल के पतन के कारण क्या थे या उस समय की प्रवृत्ति क्या थी, यहाँ से वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अगला आता है हिंदी साहित्य इतिहास में भक्तिकाल। भक्तिकाल ज़्यादा करके क्वेश्चन भक्तिकाल से जरूर पूछे जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा आते हैं क्योंकि भक्तिकाल जो है हिंदी साहित्य का जानते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। तो भक्तिकाल से क्वेश्चन करेंगे, भक्तिकाल की प्रवृत्ति क्या थी, भक्तिकाल के उदय कारण क्या थे, क्या शुक्ल जी जो दिए हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन जो दिए थे या हरिप्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा दिया, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ने दिया जो है, या डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो अपनी राय दी है कि भक्तिकाल के उदय विभिन्न कारण क्या थे, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं वो लोग जो है कि भक्तिकाल के उदय कारण क्या थे। फिर भक्तिकाल में जो निर्गुण और सगुण परंपरा, उसके पहले ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय और उधर राम भक्ति शाखा, किशोर भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि थे, या फिर क्यों तुलसी को जाति कवि कहा गया जो है, किसने जाति कवि कहा, उस समय की रचनाएं कौन कौन से थी, भक्तिकाल के पतन के कारण क्या थे, इन तमाम चीज़ों से जो है आपको भक्तिकाल से जो है प्रश्न आ सकते हैं। अगला आता है रीतकाल यानी भक्तिकाल के बाद रीतकाल का उदय होता है, क्यों भक्तिकाल के बाद रीतकाल आया, रीतकाल की प्रवृत्ति क्या थी, क्यों रीतकाल को रीतकाल नाम दिया गया, इस पर भी कई विद्वानों में मतभेद है, तो किस विद्वान ने इसको क्या नाम दिया जो है, क्या सही या उचित नाम क्या है, किसकी दिया हुआ नाम जो है आज भी हिंदी साहित्य में जो है सही और समुचित ठहराया जाता है, और इस समय की रचनाएं क्या थी, या उसमें रीतकाल में रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीतबद्ध, ये तीन जो है डॉक्टर सॉरी आचार्य विश्वनाथ ने जब इसको अलग किया तो इन तीनों में भागों में कौन कभी किस में आता है, कौन रीत मुक्त में, कौन रीतबद्ध में, कौन रीत सिद्ध में, क्यों उनको रीत मुक्त कहा गया, क्यों रीतिबद्ध कहा गया, यानी रचना और उनकी कभी कभी समय सीमा भी पूछ लेता है किसी, या फिर पूछ लेता है कि इसमें से कौन कभी सबसे पहले का है बाद में, या किसकी कौन रचना, कौन ये लक्षण ग्रंथ हैं, कौन ये जो है रीत ग्रंथ, तमाम ऐसे क्वेश्चन आपके रीतकाल से आते हैं। फिर उसके बाद आधुनिक काल आता है। अब आधुनिक काल में जो है सबसे थोड़ा सा ये लंबा सिलेबस है क्योंकि आधुनिक काल में ही, क्योंकि यहीं से गद्य की शुरुआत होती है, यहाँ है एक दो रचनाएँ रीतकाल में है, लेकिन जो व्यवस्थित शुरुआत होती है हिंदी साहित्य के जो गद्य में तमाम विधाओं का विकास हो, चाहे उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र लेखन, जो भी साक्षात्कार जो भी है, वो आधुनिक काल से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ का सिलेबस बड़ा हो जाता है। आधुनिक काल में आप देखते हैं आधुनिक काल की शुरुआत, इसे चाहे चाहे नवजागरण, जागरण, सुधार काल
या आधुनिक काल में आपका सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, फिर साठोत्तरी कविता, तमाम नामों से बाद में जाने लगे जो है, तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका आधुनिक काल से, फिर उसमें गद्य में जो है, गद्य की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यानी आधुनिक काल का सिलेबस जो है ये समझिए जितना, ये तीनों है आधुनिक काल का अलग से। तो गद्य अगला जो होता है सिलेबस में गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आपका देख रहे हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध और उसके बाद संस्मरण, यात्रा, रेखाचित्र और अन्य विधाएं जो है, चाहे जीवनी हो गई या आत्मकथा हो गई। तो गद्य साहित्य में हिंदी की पहली कहानी, हिंदी का पहला उपन्यास या कहानी, हिंदी की पहली जो थी वो किससे प्रभावित थी, क्यों हिंदी की पहली कहानी, क्योंकि जानते हैं आप लोग इतना तो पढ़े हैं कि हिंदी की पहली कहानी को लेकर काफ़ी विवाद है, क्योंकि हर विद्वान या आलोचक अपने अपने ढंग से अलग अलग कहानी मानता है, लेकिन सर्वसम्मत से किसको माना गया आप भी जानते हैं जो है, कि हिंदी की पहली कहानी जो है किसे माना गया है। लेकिन आपको पढ़ना है इसमें तमाम लेखक हैं जो है, कि उनकी कौन कौन सी रचनाएँ, ये सब चीज़ें आपके कहानी में, उपन्यास में और नाटकों में पूछा जाएगा, कि कौन से नाटक के नाटककार हैं, या इस नाटक में आपका उससे जो एक होता है एकांकी जो है, इस एकांकी की रचना यानी रचना रचनाकार, इसमें से आपसे ये पूछा जाएगा। वही निबंध में, वही आलोचना में, संस्मरण, यात्रा वितरण, रेखाचित्र और अन्य में आपकी आत्मकथा, जीवनी, पत्र साहित्य, तमाम जो विधाएँ हैं वो आपके हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत पूछे जाएंगे। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण में आपसे रस, अलंकार, यानी जितने भी व्याकरण के काव्यशास्त्र से भी आपको जो है क्वेश्चन वहाँ से आएंगे आपके व्याकरण के अंतर्गत। उसके बाद भाषा, आपके भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे, भाषा की उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई भाषा, फिर भाषा और बोली में अंतर क्या है, विभाषा क्या है, ध्वनि क्या है, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन वो लोग करेंगे कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, यानी एक शुरू से आपको जानना पड़ेगा जो है कि भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर देवनागरी के बारे में जानना हो, क्योंकि हिंदी का सिलेबस है तो स्वाभाविक बात है कि देवनागरी के बारे में जरूर पूछा है, देवनागरी लिपि के सुधार के बारे में पूछेंगे, या संविधान में उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे क्या दर्जा दिया गया है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद आपका लास्ट में जो आता है वो संस्कृत साहित्य, इसमें कुछ संस्कृत साहित्यकारों के रचना के बारे में और उनके बारे में क्या लोगों ने कहा, क्या किसकी क्या राय है, ये संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो जब यानी ये हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना सब सिलेबस आपके सामने जो है, यही सब सिलेबस है, ये कोई निर्धारित कवि या लेखक के बारे में नहीं है कि हाँ ये 10-5 निर्धारित कवि लेखक हैं, उन्हीं की आलोचना, उन्हीं का निबंध, उन्हीं की कहानी या उन्हीं के उपन्यास के बारे में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। है देखने में बहुत छोटा ही लग रहा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तब समझ में आता है कि ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन डरने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोगों के लिए तो मैं आज छोटा सा परिचय दिया हूँ इस सिलेबस के बारे में, कि आपका सिलेबस यही है, और मैं एक एक आदिकाल शुरुआत करूँगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, यानी लेखन की शुरुआत, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की शुरुआत कब से होती है, हर एक चीज़ पे एक एक वीडियो आपको बनाऊँगा जो है, यानी एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगी। ऑनलाइन क्लास आप जहाँ भी चाहे जहाँ भी हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास जो है हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है यहीं से ऑफलाइन क्लास चलेगी, जो ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन जो चाहते हैं ऑनलाइन भी इसके सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हर एक एक चीज़ पे मैं एक एक वीडियो बनेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा जो शुरू हुई वो कब से शुरू हुई और किसने शुरू किया, इन सभी चीज़ों पर चर्चा आपसे जो है हम जब वीडियो बनाना शुरू करेंगे तब करेंगे। लेकिन मित्रों ये मौका है इस बार कि इस बार ये भर्ती हाथ से निकलने ना पाए जो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पहले भी अच्छी सीटें थी, इस बार भी अच्छी सीटें हैं। हाँ ये तदर्थ वाले मैटर को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान न होइए जो है, क्योंकि उसमें भी सरकार उन लोगों से ऐसी चीज़ें मांग रखी है कि तदर्थ वाले भी बहुत ही
वो जब अच्छे नंबर पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप जब मेहनत इतना करेंगे तो तदर्थ वालों का वेटेज से आप डरिएगा मत, क्योंकि जानते ही हैं जितनी तैयारी हम लोग इस तरह से आप लोग कर लेंगे उतनी तैयारी वो तदर्थ वाले पढ़ा के शायद, देखिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ सब लोग उसी तरह हैं, लेकिन सही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अनुभव मेरा थोड़ा बता रहा है कि वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो तदर्थ वाले मैटर पे आप लोग एकदम प्रसन्न होइए और जुट जाइए, क्योंकि जो है ये मौका अच्छा है आप लोगों को जो है, और इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, किसी एक चीज़ की समस्या तुरंत मुझसे जो है इस मैं वीडियो के माध्यम से आपको जो है, यहाँ मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप इस पर मैसेज करेंगे, कोई भी समस्या समझ नहीं हो आप बिंदास पूछ भी लीजिएगा हर एक चीज़ में। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि रटना ज़रूरी है, हिंदी में रचना, रचनाकारों के नाम और लेखक, क्योंकि भैया इसमें कोई ट्रिक व्रिक चलता नहीं है, रटना है ये आपके ऊपर है। बाकी व्याकरण और ये सब साहित्य लेखन की परंपरा या उदय या प्रवृत्ति ये तो आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट की तरह होता है समझ जाएंगे, लेकिन जो रटने वाली चीज़ है उसको तो आपको ही रटना है, और कितनी आपकी कैपेसिटी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप रटते हैं। अगर आप रट ले जाते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है इस बार सेलेक्ट होने के लिए। तो अगली वीडियो के लिए जो है मैं बनाऊँगा तो अपलोड ज़रूर करूँगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा जो है। ठीक है, धन्यवाद।